स्ट्राइक पर है अल्तमस। हाँ हाँ बिल्कुल, पांच ओवर चार ओवर, पांच पांच ओवर का रहेगा, दत्ता ओवर का हो गया ना, फिर क्या ओवर करेगा, पांच ओवर का। अरे ठीक है भाई, मोहल्ले की टीम अगर इतना जीत करेगी तो खिलाओ है कि नहीं भाई, दबदबा तो रहता थोड़ा मोहल्ले का ना। तो पहला ओवर पहली गेंद फिरोज करेंगे अल्तमस को, बड़ा खिलाड़ी फिरोज और बड़ा खिलाड़ी अल्तमस। एक बार आमना सामना फिर से होता हुआ, दो टीम बहुत ही बड़ी टीम है राउंड में। अल्तमस पहली बार अच्छी गेंद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सम्मान दिया इस गेंद को, पांच प्लस पांच ओवर का मैच होता हुआ। स्टार अली नगर और ईगल, लाजवाब टीम ईगल सुर है। तो मैच बहुत ही अच्छा बढ़िया और खूबसूरत होने को मिल, नए बल्लेबाज मुल्ला कौन है, जाहिद। मौका चूक गए, फिंगर थोड़ा सा लेट हो गए, कीपर तो अपनी पोजीशन ले चुका था। जाहिद और अल्तमस दोनों बहुत ही अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, और सूर्य लाजवाब शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और इस चौके पर भी शाबाशी हौसला बढ़ाया सुहेल ने, उनके टीम ने बॉल अच्छी थी और शॉट भी अच्छी थी। समाप्ति पर स्कोर है 6 रन, और अभी अभी खबर आई है, रिपोर्ट मिली है कि इस मैच में इस टूर्नामेंट हमारे जो मेहमान आने वाले हैं बेहतरीन क्रिकेटर इसरार भाई और उनके साथ जो मेहमान हैं वो भी आ रहे हैं, नाम अभी तो मैं उन्हीं का मिला, हमारा जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह यहीं पर बैठेंगे और आप लोगों को मैं उनके तारुफ कराऊंगा। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम इसरार, दूसरा ओवर कौन से बॉलर कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद, फील्डर है सुहेल अहमद। तो दोनों का तालमेल बिल्कुल सलमान खान की बॉडी है दोनों की, अच्छे खासे अल्तमस और बहुत ही खराब फील्डिंग, ये मौका था अल्तमस का विकेट पाने का, क्योंकि बाढ़ पर निगाह थी नहीं, निगाह थी बल्लेबाज पर, तो बहुत बड़ी चूक हुई, इस तरीके का मौका आपको गंवाना नहीं होगा। तो फिरोज हौसला बढ़ाते हुए अपने बॉलर का फील्डर होगा, बॉल दिखी नहीं सही से कहां पर थी, बहरहाल अच्छी फील्डिंग वहां पर, स्कोर हो गया 12 रन। दूसरा ओवर है ना, दूसरा ओवर मोहम्मद अहमद करते हुए, जाहिद बहुत ही खराब फील्डिंग भाई, देखिए ये आप गलती मत दिखाइए क्योंकि आप डेली पे रहते हैं खेलते हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी, आपको थोड़ा आगे आना चाहिए था, वही बैठ गए आप, गड्ढा था वहां पर, कोई बात नहीं, चलिए होता है क्रिकेट में। और रूल आउट जाहिद हो गए, तो दो चौके इसमें मिले वो भी फील्डर की गलती से, टोटल स्कोर 16 रन, दो ओवर की समाप्ति पर नए बल्लेबाज मायनाज बल्लेबाज अपनी टीम के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले रन देने वाले तलहा,
बहुत ही प्यारा नाम और इतना ही प्यारा खेल इनका और क्रिकेट के अलावा जो किरदार इनका वो भी बहुत ही प्यारा है। तो तलवा नए बल्लेबाज साथ देने के लिए आए हैं अल्तमस का बॉलर है फिरोज बढ़िया गेंदबाजी करने की ओर में मौका मौका है भाई थ्रो करना चाहिए था कीपर को इस तरीके का चांस लेना पड़ेगा। फिर एक बार फिर अल्तमस को बहुत ही सीनियर फील्डर है ये अल्तमस अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए एक और चौका ये रिवर्स का अल्तमस के बल्ले से फिरोज इस ओवर में दो चौका खा चुके हैं अच्छी गेंदबाजी करनी होगी फिरोज को तो अच्छी गेंद इस बार वापसी की है फिरोज ने जैसे ही चहलकदमी की अल्तमस ने गेंद को छोटी की फिरोज अच्छी गेंद तो दो बॉल डॉट करा चुके हैं फिरोज टोटल स्कोर है 34 रन और एक और चौका लगाने की कोशिश में आउट हो गए अल्तमस तो विकेट मिला है बड़ा विकेट मिला है फिरोज को यह अलग बात है कि दो चौके लगे इस ओवर में तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन बढ़िया स्कोर और बढ़िया बॉलिंग में कहूंगा दोनों टीमों के लिए अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तलहा के ऊपर और इब्राहिम के ऊपर अपनी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी तलहा को और इब्राहिम को हवा जो रुकी हुई गर्मी का मौसम जैसा बीत रहा है तेज बल्ला चलाया था तलहा ने उतनी ही बढ़िया गेंद थी मोहम्मद की एक बार फिर क्या है भाई अंपायर महोदय अरे तो वहां पर जाकर तुरंत जाए और बता दे कि यह है तो तलहा बगैर खाता खोले आउट हो गए तो इस ओवर में दो बॉल टाट हो चुकी है एक एक बॉल बहुत ही कीमती बॉल है अली नगर के लिए और ईगल के लिए भी नए बल्लेबाज बाबू मुन्ना और छूटा अब न ये वाला बल्लेबाज अब आया बल्लेबाज इब्राहिम पहली बार सामना करेंगे मोहम्मद जो गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मोहम्मद ने की है इब्राहिम बहुत ही तेज फील्डर जुबैर उससे भी तेज रनिंग थी बल्लेबाज की बल्लेबाज का नाम एक रन और मिल गया तो चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर 27 रन बहुत ही कामयाब ओवर ये ओवर था मोहम्मद का ईगल जैसी टीम को फांद के बिल्कुल रखा है अली नगर के बॉलरों ने तो हमारे
एक और क्रिकेटर जो मुन्ना यहाँ बैठे हैं, मुस्तफा हसन उसको मुन्ना स्पोर्ट के प्रोप्राइटर, वो कुछ बताते हुए हमारे स्कोरर को, वो अच्छी चीज है कि कैसे स्कोरिंग की जाती है पहिया के। तो और की अपील करते हुए अंपायर से, तो पहली गेंद अच्छी गेंद, बॉलर का नाम सादा, ठीक है, बहुत बढ़िया था, अच्छा, अच्छी सोच थी सादा आपकी। इब्राहिम अभी तक अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद सादा आपकी, बिल्कुल बांधे रखा है, पीछे जो बनी है बहुत ही शानदार बनी है मुन्ना, बॉलरों के लिए बहुत खुश है इसमें, बहुत अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड के साथ स्कोर हो गया 29 रन। और इब्राहिम भी बगैर खाता खोले मुझे लगता है कि आउट हो गए, हम बगैर कुछ किए चले गए, ये भी रूल आउट होकर के, तो काफी दबाव में टीम ईगल, स्कोर चाहे जो भी हो, मुन्ना इस बात तो कहूंगा कि मैच बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ईगल की टीम की जो फील्डिंग है, जो बॉलिंग है, उनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी रहती है, इतनी आसानी से वो मैच को जाने नहीं देंगे, बड़ा टूर्नामेंट है। चौका, ये बहुत ही काम करेगा ईगल के लिए, स्कोर हो गया इस चौके के साथ 33 रन। तो कीपर नदीम से बात छुट्टी, और जो फील्डर था स्लिप का, बहुत ही तेजी से चला गया थर्डमैन की तरफ, क्या अंपायर वाइड बॉल, का नाम पूरा भैया नसीब, नसीब भाई देखते कब ये वो करते हैं, अब इनका और बचा भी, और एक और चूक हो गई, ये होता है फायदा। तो कीपर जो नदीम थोड़ी सी गलती कर गए लास्ट ओवर में, बात तो